एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेलिब्रिटी स्टाइल साड़ी का रिव्यू। एंड साड़ी जो साड़ी है ना बहुत ही अमेजिंग है। साड़ी है सेलिब्रिटी स्टाइल प्लस इसमें आपको वेस्टर्न वियर भी देखने को मिलेंगे। एक ड्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मीशो पे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड आज का जो कंप्लीट कलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, पूरा पार्टी वियर है। एंड वेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कलर्स हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से। लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड करें। एंड आज के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी हैं रीसेलिंग में, तो अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड रीसेलिंग प्राइस एंड मीशो प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूंगी, तो आप देखते रहना। एंड अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, एंड यहाँ पे मैं क्लिप दे दूंगी। तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी, गिव अवे के लिए भी। प्लस इंस्टाग्राम पे मेरी जो है डेली वीडियोस की बहुत सारी अपडेट्स आती है, तो वहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट रहिए क्योंकि वहीं से आप रीसेलिंग वाले प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड स्टार्ट करने से पहले आज जो मैंने ये बहुत ही प्यारा सा टॉप पहना हुआ है, ये मैंने कल वाली वीडियो में शेयर किया था, कल नहीं उसे एक दिन पहले वाली वीडियो में शेयर किया था। ये भी मैंने पिक किया है मीशो से। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, इसका कोड चाहिए, तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप इस टॉप को परचेज कर सकते हैं। इसका कोड आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। एंड ये मुझे मीशो पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। लुक एट दिस ना, एक तो ये पूरी साड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल है, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। कलर है ना जो इस साड़ी के बिल्कुल भी डल नहीं है, एकदम ब्राइट कलर है जो कि फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। प्लस अभी जो है शादियाँ वगैरह स्टार्ट हो रही है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपको ब्लाउज के लिए दो फैब्रिक दिए हुए हैं, ये फैब्रिक है फ्रंट के लिए, कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट देखने को मिल जाएगा। पूरा जो ब्लाउज है उस पर सिक्वेंस का काम किया हुआ है, प्लस जरी का काम किया हुआ है। मैं आपको एक बार पास की क्वालिटी बता देती हूँ, कितना प्यारा है। एंड आप जब इस ब्लाउज पर स्टिच कराओगे बहुत अच्छा लुक आएगा, प्लस इससे हैवी ब्लाउज स्टिच होगा पूरा। ये इन्होंने स्लीव्स के लिए दिया हुआ है तो बहुत सुंदर लगेगा जब आप इस ब्लाउज पर स्टिच कराओगे। फैब्रिक है टेफेटा सिल्क का, तो ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है प्लस स्लीव्स के लिए दिया हुआ है। एंड बैक के लिए बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। तो टोटल मिला के फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में है तो भी आपके आराम से आ जाएगा। एंड साड़ी बिल्कुल प्लेन है, ओनली बॉर्डर है, लेकिन ब्लाउज है जो काफी हैवी है। एंड लुक काफी अच्छा आएगा जब आप इस साड़ी को पहनोगे, तो फुल लुक एक बार आप साइड में देख लेना। प्राइस में सभी की यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ तो आप देखते जाना। एंड पूरी साड़ी है ना जो ऑरेंज सिल्क फैब्रिक में आपको देखने को मिल जाएगी, येलो कलर की साड़ी है। प्लस ये आप देख रहे हो ना ये चेक्स वाला फैब्रिक इन्होंने इसमें यूज किया है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि ये है ऑरेंज सिल्क फैब्रिक। एंड इस तरीके का आपको इसमें आंचल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लेस एक बार पास से दिखा रही हूँ, इस तरीके की इसमें लेस है जो कि जरी की लेस इसमें लगाई हुई है, प्लस गोटे पत्ती का काम किया हुआ है, सिक्वेंस भी लगाए हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाए, काफी ब्रॉड लेस है। एंड इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। ये चेक्स वाला पैटर्न मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पूरी साड़ी है 5.5 मीटर की, लुक काफी अच्छा आएगा जब आप इसे पहनोगे। एंड पूरी साड़ी में आपको इस तरीके की लेस देखने को मिल जाएगी। तो जो पार्ट है वो आपको प्लेन मिलेगा, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। एंड मैं इस साड़ी को आपको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये वाली साड़ी स्टाइल करने के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने मीशो से अब की बार ली है जो कि मुझे मीशो पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब नेक्स्ट आते हैं एक वेस्टर्न वियर के ऊपर। बस एक ही वेस्टर्न वियर मैंने पिक किया है एंड ये मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था मीशो पे, प्लस बहुत ही अमेजिंग है। फुल लुक एक बार आप साइड में देखना, बहुत ज्यादा ट्रेंडी सा लगा तो मैंने सोचा पिक करके देखती हूँ। एंड ये पूरा है ना आपको रेयॉन कॉटन फैब्रिक में मिक्स एक वन पीस है, ये शर्ट स्टाइल वन पीस है वो देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड कॉलर है, पूरे में आपको बटन्स दिए गए हैं जो कि फंक्शनेबल है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस ना, कुछ इस तरीके का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्टिकर टाइप है, यहाँ पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं। इस पोर्शन में भी आप देखोगे
में भी सिक्वेंस लगाए हुए हैं एंड इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ट्रेंडी सा वन पीस लगा मुझे, थोड़ा शॉर्ट है, मतलब नीस से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आएगा, लेकिन जो पहनते हैं इस टाइप के वन पीस डेफिनेटली पहन सकते हो, क्योंकि अगर आप वैकेशन वगैरह पे जा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ये वाला एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड ट्रेंडी लुक आएगा पहनने के बाद। और साइज़ है जो मैंने इस पर पिक किया है, मे बी शायद इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी साइज़ कौन सा है या फिर ये फ्री साइज़ है, एक बार आप देख लेना। लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लगा। फुल लुक एक बार आप साइड में देख लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, क्यूट एंड स्टाइलिश है, तो डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक की है वो भी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, फ्लोरल प्रिंट साड़ी देखने को मिल जाएगी। कलर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इस साड़ी की रेटिंग मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 3.5-3.7 के अराउंड थी। उसे जब पिक करके देखते हैं कैसी आती है, तो कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। एंड ये पूरी साड़ी है जो फ्लोरल प्रिंट में है, फैब्रिक है जो सिल्क फैब्रिक इसमें यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। और लुक एट दिस, पूरी साड़ी प्लेन है लेकिन और ये चारों तरफ आपको कट वर्क में कुछ जरी की लेस लगाई हुई है कुछ इस तरीके की, प्लस ये एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, कुछ बॉर्डर इन्होंने इस टाइप पर इसमें दिया हुआ है। इस तरीके की साड़ी का पहनने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। प्राइस और फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। पूरी फ्लोरल प्रिंट में है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट लगी, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड बहुत अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद। जब आप इसे पहनोगे, पूरा ब्लाउज जो है स्टिच कराओगे, काफ़ी अच्छा लुक आएगा एंड इतना सा जो पार्ट है वो प्लेन दिया है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। तो पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है, ऐसी साड़ी है कि आप इसे अपकमिंग फेस्टिवल में, फंक्शंस वगैरह में और शादी वगैरह में भी स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा एंड बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है एंड सबसे ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है तो आप इजीली पूरे दिन कैरी कर सकते हो। तो ये है साड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका ब्लाउज, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर ब्लाउज है एंड मुझे इस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा, क्योंकि ब्लाउज इन्होंने पिंक कलर का दिया है प्लस पूरी जो है फ्लोरल प्रिंट में साड़ी है। तब आप स्टिच कराओगे इस ब्लाउज को, बहुत अच्छा लुक आएगा एंड इस तरीके का आपको हैवी ब्लाउज देखने को मिल जाएगा एंड पूरे पर जरी का काम किया हुआ है एंड लुक एट दिस ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। हैवी ब्लाउज है, पूरा 90 सेंटीमीटर का है, तो ये आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में ईजिली आ जाएगा एंड इससे पूरा हैवी ब्लाउज स्टिच होगा। पता नहीं रेटिंग ऐसी क्यों थी, लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली साड़ी, तो मैंने पिक करके देखा एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे वाले कोड से बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, फैब्रिक क्वालिटी भी प्लस जो वर्क किया हुआ है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया ये है इस तरीके की साड़ी एंड यार है ना, मैंने जब इसे पिक्चर में देखा ना, मुझे कलर लग रहा था ग्रीन वाला, ग्रीन के शेड में मुझे कलर लग रहा था, लेकिन ये मुझे मिली है इस तरीके के ब्राउन कलर में, प्रॉपर ब्राउन कलर है और पिक्चर में मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर लग रहा था, मैंने सोचा था ग्रीन ही आएगी साड़ी, थोड़ा मेहंदी कलर में। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। तो पूरी हैवी साड़ी है, नेट की है पूरी साड़ी, पूरे पे आपको है ना बीच बीच में नेट पे गोल्डन वाला प्रिंट किया हुआ है, फॉइल प्रिंट, गोल्डन फॉइल प्रिंट है पूरे पे जो आप ये देख रहे हो एंड इस तरीके की आपको काफ़ी ब्रॉड लेस देखने को मिल जाएगी। लेस पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सिक्वेंस लगाए हुए हैं, क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है इस वाली साड़ी की भी, बस सबसे अच्छी बात है ना लाइट वेट है, क्योंकि बीच का पूरा पार्ट है जो फॉइल प्रिंट में है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट रहेगी, बस बॉर्डर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया है एंड पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। एक बार आप फुल लुक साइड में देखना, काफ़ी अच्छा आएगा एंड इतना सा जो पार्ट है वो प्लेन दिया है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। मुझे वाला ना जो वर्क किया हुआ है ना फॉइल प्रिंट, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था ये बीच में भी सिक्वेंस आएंगे, एम्ब्रॉयडरी टाइप कुछ आएगा, वो अच्छा है उन्होंने सिक्वेंस वगैरह नहीं दिए हैं, बिल्कुल फॉइल प्रिंट दिया हुआ है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फॉइल प्रिंट की एंड नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है साड़ी की, तो आप इजीली इसे ड्रैप कर सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड कुछ इस तरीके का इसमें आपको हैवी ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। मरून कलर का ब्लाउज इन्होंने दिया है, ब्राउन एंड ग्रीन कलर, मतलब ब्राउन ग्रीन एंड मरून कलर के कॉम्बिनेशन में ही पूरी साड़ी है, तो कलर कॉम्बिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा एंड ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल एकदम डार्क
डार्क कलर में साड़ी पहनना चाहता है, कोई डार्क कलर की साड़ी लेना चाहता है तो डेफिनेटली इस साड़ी को ट्राई कर सकते हो। एकदम डार्क कलर है इसका एंड मुझे इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, जरी का काम किया हुआ है। ये इन्होंने इसमें स्लीव्स के लिए दिया हुआ है एंड बैक प्लेन देखने को मिल जाएगा। तो पूरा इससे हैवी ब्लाउज स्टिच होगा जैसा पिक्चर में दिया हुआ है। 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज है तो आपके एक्स्ट्रा डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की है जो कि मुझे अच्छी लग रही थी किसी भी फंक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग या फिर अभी फेस्टिवल आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने ये सोच के पिक किया था ग्रीन कलर आएगा तो आप मेहंदी वगैरह में भी इसे पहन सकते हो, लेकिन ये ग्रीन कलर में साड़ी नहीं है, प्रॉपर आपको ब्राउन कलर में साड़ी देखने को मिलेगी। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने पिक की। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया वो इस तरीके की आपको जिप कवर में देखने को मिल जाएगी, पिक्चर से आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। इस साड़ी के लिए मुझे काफी ज्यादा जो है मैसेज आ रहे थे तो मैंने सोचा पिक करके देखते हैं कैसी आती है। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की साड़ी मिलेगी, एक तो कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये आपको रस्ट ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाएगी एंड इसके साथ ये वाले कलर का ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको है ना ब्लाउज बताती हूँ, कुछ इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। दो फैब्रिक दिए हुए हैं ब्लाउज के भी, ये इन्होंने फ्रंट के लिए दिया हुआ है एंड फुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, प्लस है ना इसमें मिरर्स का काम भी किया हुआ है, रियल मिरर्स हैं, सिक्वेंस का काम भी है, जरी का काम भी है। कुछ इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। ये इन्होंने इसमें स्लीव्स के लिए दिया हुआ है जो कि दोनों स्लीव्स पे आएगा। स्टिच कराने के बाद इस ब्लाउज का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा एंड थोड़ा शाइनिंग वाला ब्लाउज है, थोड़ा बैंगलोरी सिल्क फैब्रिक में है तो शाइन कर रहा है ये वाला ब्लाउज एंड बैक आपको पूरा प्लेन देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मिला के फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर के आसपास, अगर आप एक्स एल डबल एक्सएल साइज में है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। एंड इसमें आपको ना कुछ इस तरीके के थ्रेड वाले टैसल्स अलग से दिए हुए हैं, ये आपको ब्लाउज में लगवाने। साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कुछ अलग सा ही कलर है, रस्ट ऑरेंज कलर, पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग देगा ये वाला कलर भी। एंड कुछ इस तरीके का आपको इसमें बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, फुल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, फुल पे आपको मिरर का काम देखने को मिल जाएगा, रियल मिरर है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्लस एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। तरीके की आपको पूरी 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लाइट वेट है एंड मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ, डेफिनेटली बाय कर सकते हो। किसी भी फंक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है एंड इसका आंचल है ना फुल हैवी आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। मुझे तो ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेकअप कर सकते हो आपको जो भी लेना। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट कलेक्शन, आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगी। सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी कमेंट करके बताना, मुझे भी जाननी होती है आपकी चॉइस क्या है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।